अलेक्जेंडर मेडोस का ये हैरान कुन डिजाइन मिलाता है दरिया के यूं दो किनारे के 1887 से अब तक खड़ा है बगैर किसी सहारे। बहुत पुराना यार ये, अंग्रेजों के जमाने का भाई। बीच में कोई सपोर्ट नहीं है उसको यहाँ। दोस्तों आज हम रिएक्शन कर रहे हैं सिंध के खूबसूरत शहर सक्कुर पर। तो ये जो है एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन्होंने लिखा है डिस्कवरी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब डिस्कवर पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा कंटेंट ये लेकर आते हैं हमेशा, और इनके चैनल पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। अगर आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ भी जानना है आप डिस्कवर पाकिस्तान पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। फिलहाल अपन देखते हैं सिंध का सक्कर सिटी का डॉक्यूमेंट्री। अभी तो दरिया ने जिसको अपने सीने पर बिठाया है, जिसकी गर्म मिजाजी को ठंडी हवाओं से नरमाया है, गर्म जो कई रियासतों तहजीबों और सकाफतों की बहुत प्यारा लग रहा है यार, में पला है, जो नए और पुराने दौर की उंगली थामे परवान चढ़ा है। सिंध का वो लाडला शहर है सक्कर। सक्कर दरियाए सिंध के बाद अरबों ने जब इस इलाके का रुख किया तो इसकी गर्म जोशी को देख इसे अरबी जबान में सक्कर का नाम दिया। सक्कर लैंसडाउन ब्रिज जो मकामी जबान में है कैंची वाला पुल, मजबूत लोहे से बना इसका मुनफरिद आर्किटेक्चर, जाए सयाहों के दिल में घुल। इस ब्रिज के पास हमारे एक सब्सक्राइबर रहते हैं। अच्छा हाँ, हम लाइव आए थे एक बार फेसबुक पर जिसमें हमने लाइव उनसे बात की थी, और इस ब्रिज के सामने खड़े होकर ही उन्होंने हमसे वीडियो कॉल पे, मतलब लाइव आते तो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो जाते फेसबुक पे, तो उन्होंने बात की थी और हमें ये ब्रिज दिखाया था। बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। हाँ मैं वो क्लिप दे दूंगा फैजान को, तो फैजान इस वीडियो में आपको लगा के दिखा देगा। बाकी बहुत अच्छा लगा था कि भाई सक्कर से भी हमें लोग देखते हैं। हाँ। और पूरे पाकिस्तान से ही देखते हैं वैसे तो, लेकिन सक्कर जिस पे अभी हम रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ से भी हमें देखते हैं। बिल्कुल चलो शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर मेडोस का ये हैरान कुन डिजाइन मिलाता है दरिया के यूं दो किनारे के 1887 से अब तक खड़ा है बगैर किसी सहारे। बहुत पुराना यार ये, अंग्रेजों के जमाने का भाई। बीच में कोई सपोर्ट नहीं है उसको। यहाँ भी जिद्दत हवा से हाथ मिलाती है, जहाजों की परवाज बेगम नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट पर आती है। बेगम नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट रकबे में तीसरा और आबादी में इस शहर को चौथा लिखा जाता है। इसे गेट वे टू सिंध भी कहा जाता है। ओके। हजारों वर्ष पहले होने वाली तिजारत और रियासती काफिलों की एक कदीम राहदारी है जिसकी शानो शौकत वही है, बस अब इंडस हाईवे पुकारी जाती है। काफी हरियाली है यहाँ। दरिया का नजारा करीब से लिया जाता है, यहाँ शौक से सफर कश्ती में जो किया जाता है। कदीमी एतबार से इसकी एक अपनी ही जगह है, सात सहेलियों का यही तो मकबरा है। सात सहेली यह सब उनके सबके वो हैं मकबरे। दरिया का अलग ही दिखाई देता मिजाज है यहाँ, 66 दरवाजों पर मुश्तमिल सबसे बड़ा बैराज है यहाँ। वाह बहुत ही बड़ा है, 66 दरवाजे। नहरें निकाली जाती 6000 मील तक फैली ये नहरें पूरे सिंध की प्यास बुझाती। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा भाई, कराची में भी यहीं से पानी आता है, मतलब पूरे सिंध की प्यास बुझाती है। ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी है भाई इस नदी में। तो दरियाए सिंध बहुत पॉपुलर यहाँ की नदी सरजमीन है। में इंतहा की मिठास है, तभी तो पाकिस्तान में सबसे मीठी खजूर इसी के पास है।
क्या बात है यार, मैं इतने देर से नोटिस कर रहा था, ये सारे पेड़ खजूर के ही हैं। खजूर का बगीचा है भाई पूरा। हाँ, ये देखो खजूरों के बागात को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये क्या है, रेगिस्तानी एरिया में ज्यादा होते हैं ना खजूर। हाँ, गर्म फ्रूट होता है ये। सही है, गल्फ कंट्रीज में भी होते हैं। जोर है सालेपट तहसील की ठंडी सरदाई ही इसका तोड़ है। वाह, ये क्या चीज है भाई, ठंडाई ठंडाई है। किला है क्या ये, कुछ रिलीजियस प्लेस लग रहा है और दरगाह है। हाँ, मजार बना हुआ है इस पर। क्या लेवल का लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है अलादीन के जमाने का। उस तरह का आर्किटेक्चर लग रहा है बिल्कुल। म्यूजिक भी वैसे ही आ गया, ईरान इराक वाली फील आ रही है मेरे को। ईरान वाली शायद बिल्कुल। यहाँ जिंदगी कैसे होगी बेजार, हर वक्त रौनक से जो भरा रहता है यहाँ का घंटाघर बाजार। घंटाघर बाजार यार, हर शहर में एक ना एक घंटाघर जरूर होता है। क्रिकेट स्टेडियम भी है यहाँ पर। सक्खर रेलवे स्टेशन, सक्खर का चार ही डब्बे ट्रेन में। हाँ, जब देखते तो दिल करता है विजिट करें। महंगा नहीं पड़ेगा ये चक्कर, खुद ही आकर देख लीजिए सक्खर। बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा ये चक्कर। अभी वीडियो में मिस्टर रे ने बोला ही कि यार जब देखते तो दिल करता है आने का, और उन्होंने बोल ही दिया वीडियो में कि महंगा नहीं पड़ेगा ये सक्कर। सक्कर ये खुद ही आके देख लीजिए। बहुत जबरदस्त लगा। सक्कर सिटी पे हमने पहले भी एक वीडियो देखा था काफी टाइम पहले, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हमें पता चली थी अबाउट सिंधु नदी एंड वहाँ पे जो एक मछली होती है फेमस, जिसका जिक्र वो गाने में भी किया था, कौन सी पल्ला मछली थी वो, कौन सी मछली थी एक। तो सिंध के लोगों से हमें बहुत सारा प्यार भी मिला था। आई एम श्योर आज भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। जो भी सिंध से देख रहे हैं भाई, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फैज़ान ने फर्स्ट टाइम देखा है सक्खर, तो फैज़ान बताएगा। यार ये जो सक्कर है ना भाई, इस जगह को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो बनाता है ना, इसके बीच में से जो दरिया गई हुई है वो बहुत प्यारा लगता है। और जो दरिया के बिल्कुल नहरे हैं और जो ब्रिज गए हुए हैं, और टापू भी है भाई बीच में, वो टापू भी उससे जुड़े हुए हैं ब्रिज के थ्रू, तो वो बहुत प्यारा लगता है। और फिर उसमें मछलियाँ भी है, डॉल्फिन भी हमने देखी, और भी उसमें होंगे पानी में जो भी रहते हैं मछलियाँ वगैरह, डॉल्फिन्स हो सकता है, क्रोकोडाइल भी होते होंगे भाई, क्योंकि बहुत बड़ा है यार वो, देख के लग रहा है कि काफ़ी गहरा है। और वो ब्रिज काफ़ी अट्रैक्टिव था भाई, जो बहुत पुराना बताया उन्होंने, काफ़ी पुराना बताया, और उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो इधर से बस इधर का सपोर्ट है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं, और बहुत लंबा है वो, छोटा नहीं है वो, वीडियो में देख के लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो काफ़ी लंबा है वो। और बहुत प्यारा लगा, जो खजूर के बगीचे थे वो सब ग्रीनरी, और मतलब बहुत ही सुकून भरी जगह लग रही थी, और बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये हिस्टोरिक प्लेस लग रहा था काफ़ी, यहाँ इस जगह से हिस्ट्री काफ़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त था प्लेस। और आप बताएं बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।